हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड, ये टोपोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं, और नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़कर हम ओपन सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ओपन सेट को हमें समझना है अच्छी तरह से, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट नेबरहुड का कंसेप्ट है। तो हम इस क्लास में नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे कि नेबरहुड क्या होता है, व्हाट इज नेबरहुड। नेबरहुड के कंसेप्ट में हम किसी भी एक सेट को जो कि नॉन एम्प्टी होता है उसको नेबरहुड बोलेंगे, किसी भी पॉइंट पी का। देखिए डेफिनेशन, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा पढ़ते ही। ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी नेबरहुड, एंड बी डी देते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है NBD, neighborhood. A non-empty set A is said to be NBD of a point P if there exist open interval such that P belongs to I containing A. A कोई भी ओपन इंटरवल है जो P को कंटेन कर रहा है, वो A के अंदर कंटेन हो जाए तो A को हम P का नेबरहुड बोलेंगे। इसकी अदर डेफिनेशन है, डेफिनेशन टू, ए नॉन एम्प्टी सेट Set A is neighborhood of a point P if there exist del या epsilon बोलते हैं हम इसको, such that a non-empty set A is neighborhood of a point P if there exists epsilon greater than 0 such that P belongs to P minus epsilon P plus epsilon open interval containing A। कि जब हम कोई point P का open interval लेंगे तो A में contain हो जाए तो A को P का neighborhood हम बोलेंगे। ये epsilon 0 से बड़ा होता है, कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन को 1/4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट वन नेबरहुड तो हमें एग्जिस्ट होना होता है इसके लिए। अगर हमें एटलीस्ट वन नेबरहुड एग्जिस्ट हो गया पी का जो ए में कंटेन होगा तो ए पी का नेबरहुड हो जाएगा। अगर ए पी का नेबरहुड है तो हम P को इंटीरियर पॉइंट भी बोल सकते हैं A का, देन P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। A नेबरहुड है P का तो P इंटीरियर पॉइंट है A का, ये हमारी डेफिनेशन है नेबरहुड की। अब हम इससे एग्जांपल को पढ़ेंगे कि कौन कौन नेबरहुड होता है। देखिए एग्जाम्पल वन, हम देखते हैं क्लोज इंटरवल ए बी, क्या ये हर एक पॉइंट पर नेबरहुड है अपने। इज ए बी इज नेबरहुड ऑफ इट्सेल्फ पॉइंट्स,
itself all points? No, because अगर हम A point लें, A का कोई open interval लें, A minus epsilon, A plus epsilon, क्या वो इसमें contain होगा? नहीं, वो infinitely many point इसे बाहर के लेगा, क्योंकि minus epsilon किया है, तो AB के अंदर contain नहीं होगा. AB का तो last point इस साइड से A है, और इसमें हम infinitely many point ले रहे हैं एक neighborhood के, तो ये कैसे contain हो सकता है? ऐसे ही बी में बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट कंटेन इन ए बी. सो ए बी इसके हर एक पॉइंट पर नेबरहुड नहीं है, तो ए बी इज नॉट नेबरहुड, ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स ऑल पॉइंट, बट इट इज नेबरहुड, या हम इसे कह सकते हैं कि ए बी में ए और बी को छोड़ करके हर एक पॉइंट का ये नेबरहुड बनाएगा. ए और बी को छोड़ दें तो हर एक पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट भी होंगे. ये इसकी सेकंड डेफिनेशन से है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम. ए बी इसके हर एक पॉइंट का नंबर उड नहीं है. अब बस ये देखिए डेफिनेशन ओनली कि ए बी मर ए और बी ले, ए का ओपन इंटरवल ए बी में कंटेन नहीं होगा, बी का ओपन इंटरवल इसमें कंटेन नहीं होगा, तो ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स ऑल पॉइंट बिकॉज ए एंड बी कंटेन इन ए बी. सेकंड एग्जांपल हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं. नेचुरल नंबर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 and so on इंफिनिटी तक वैल्यूज आएंगी. नेचुरल नंबर का सेट हमने दिया. नेचुरल नंबर में हम देखेंगे क्या इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है. अगर इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए तो n इसका नेबरहुड हो जाएगा. बट वी सी वी सो दैट 1 हमने n से लिया एंड वन का हमने ओपन इंटरवल लिया, वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन, क्या वो एन में कंटेन होगा? नहीं होगा. ओब्वियसली हम एप्सिलॉन को वन बाय टू लेते हैं, वन माइनस वन बाय टू वन प्लस वन बाय टू, ये हो गया जी वन बाय टू थ्री बाय टू. ये एन नेचुरल नंबर में नहीं होगा तो n नेबरहुड नहीं होगा इसका. या हम कह सकते हैं कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सेम एज 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4, 5 कोई भी पॉइंट नेचुरल नंबर से ले तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. बिकॉज 1 n से लिया, 1 का ओपन इंटरवल लिया, वो n में कंटेन नहीं हो रहा. ये देखो नहीं हो रहा तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. अगर 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो n 1 का नेबरहुड नहीं है, हम ये कह सकते हैं. वैसे ही देखें 2 का एग्जांपल लें, 2 में से कुछ एप्सिलॉन माइनस करें कुछ एप्सिलॉन प्लस करें और उसका ओपन इंटरवल क्या n में कंटेन होगा? नहीं होगा, तो n 2 का भी नेबरहुड नहीं है. सेम लाइक एज 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी पॉइंट नेचुरल नंबर से ले तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. तो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि n किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. दूसरा हम इंटीजर की बात करते हैं. इंटीजर में क्या होता है? 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, +1, +2, +3 एंड सो ऑन. सेम लाइक एज हम किसी भी पॉइंट का हम किसी भी पॉइंट को लें 1, अब 1 लेंगे हम 3 ले लिया, एनी पॉइंट ले कोई भी एनी पॉइंट, जैसे हमने 3 लिया. देखो जैसे हमने यहां पर लिया z कोई सेट है,
माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। ये इंटीजर का सेट लिया हमने, इंटीजर का सेट लिया हमने, थ्री पॉइंट आर्बिट्रेरी उठाया, थ्री का कोई ओपन इंटरवल लिया जिसमें थ्री माइनस एप्सिलॉन, थ्री प्लस एप्सिलॉन, क्या ये इंटीजर में कंटेन होगा? नहीं होगा। एप्सिलॉन में पूछ लेंगे तो इसमें तो ओनली पॉइंट ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें इनफाइनिटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल आएंगे, वो तो जेड में कंटेन नहीं होंगे, तो जेड थ्री का नेबरहुड नहीं होगा। इस तरह किसी पॉइंट का जेड नेबरहुड नहीं होगा, कोई भी पॉइंट उठा लो आप, एप्सिलॉन को कुछ भी वैल्यू दे दो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जेड इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ये इंटीजर का कंसेप्ट था, ये नेचुरल नंबर का कंसेप्ट था, तो नेचुरल नंबर भी नेबरहुड नहीं होगा किसी पॉइंट पर, इंटीजर भी नहीं नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा। ये दो एग्जांपल दे नोट कर लेना। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, वो एक क्लोज इंटरवल का लिया था हमने। क्लोज इंटरवल में हम लेते, सॉरी फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं, वो है जी हमारा रैशनल नंबर का सेट जिसमें p by q फॉर्म होती है और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p और q बिलोंग टू z, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर में भी देखें हम, कोई पॉइंट उठाया रैशनल से, जैसे हमने a उठाया रैशनल नंबर से, तो a का हम ओपन इंटरवल लेंगे जिसमें a बिलोंग टू a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन q, नहीं क्योंकि इसमें इनफाइनिटली मैनी इरेशनल भी आते हैं, तो रैशनल में कैसे कंटेन हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो कोई भी पॉइंट रैशनल से ऐसे ही उठाएं, a को हमने आर्बिट्रेरी उठाया था, कोई भी पॉइंट उठाएं नहीं होगा नेबरहुड क्यू किसी भी पॉइंट का, क्योंकि वो इरेशनल, रैशनल के साथ इरेशनल को भी कंटेन करेंगे। तो क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। इसी तरह से आपने, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इट्स आई, आई मीन्स इरेशनल नंबर सेट, इट्स आई ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। क्या आई इरेशनल नंबर का सेट नेबरहुड होता है ऑफ ऑल इट्स पॉइंट? आपको एक कमेंट बॉक्स में डालना है, बताना है कि क्या आई नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट पर। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर डालना है, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपने इनको अच्छे से पढ़ा है, तो आई का अब आपको अपने आप करना है, कर लेना आप, नहीं तो मैं आगे वाली क्लास में आपको करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर में कोई भी पॉइंट हम ए बिलोंग करता है आर से, जैसे रियल नंबर एक साइड, रियल नंबर की हमने रियल लाइन ले ली, ये जीरो ले लिया, ये माइनस इंफिनिटी, माइनस वन, वन इंफिनिटी, कोई भी हमने ए पॉइंट लिया, ये ए हमने यहां ले लिया, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ए इसमें बिलोंग करता है, कंटेन होता है आर में? जी बिल्कुल होता है, ए आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने, ए में कंटेन हो रहा है, ए कंटेन हो रहा है आर में, उसका ओपन इंटरवल भी कंटेन हो रहा है आर में, और ए आर्बिट्रेरी है तो हर एक पॉइंट पर आर, हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, तो आर इज नेबरहुड
of R its point. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल वी आई सिक्स ए बी था। लास्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं ओपन इंटरवल ए बी इज, क्या ओपन इंटरवल ए बी नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट पर? यस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको शायद, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए से कुछ बड़ा ए प्लस एप्सिलॉन, बी से कुछ छोटा इसमें कंटेन है, लेकिन ए कंटेन नहीं है बी कंटेन नहीं है। अगर ए प्लस एप्सिलॉन इसमें कंटेन है तो ए माइनस के प्लस के एप्सिलॉन कंटेन है, माइनस के एप्सिलॉन बाय टू, ए प्लस एप्सिलॉन प्लस के एप्सिलॉन बाय टू। एप्सिलॉन कंटेन है, सॉरी ए प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर कंटेन है, बी माइनस एप्सिलॉन भी कंटेन है। अगर हम इसमें कोई भी बीच वाला पॉइंट ले तो वो तो सीधी सी बात है इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। हमें इन दो पॉइंटों को देखना है, ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन है तो हम कोई भी एक ओपन इंटरवल देखना, बस कोई भी एक एग्जिस्ट हो जाए, जैसे ए प्लस एप्सिलॉन है माइनस के एप्सिलॉन बाय टू, ए प्लस एप्सिलॉन प्लस के एप्सिलॉन बाय टू, इसमें ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन है बिलोंग है, तो ये कंटेन इसमें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, और ए प्लस एप्सिलॉन हो रहा है। इसी तरह से हम बी को भी देख सकते हैं, बी माइनस एप्सिलॉन माइनस के एप्सिलॉन बाय टू, बी प्लस बी माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय टू, बी को भी इसी तरह देख सकते हैं, ऐसे ही होगा जैसे ये हुआ है। तो ये इस पॉइंट पर कुछ जोड़कर, जैसे ए तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ जोड़कर इसका ओपन इंटरवल ले रहे हैं, वो ए बी में कंटेन होगा और बी को भी कंटेन करता है ये ओपन इंटरवल, तो ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ये हमारे कंसेप्ट थे नेबरहुड के। नेबरहुड का कंसेप्ट हमने पढ़ा, नेबरहुड में क्या होता है कि कोई भी, मैं आपको रिपीट करा रहा हूं एक बार कि नेबरहुड में क्या होता है कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट का, अगर उस पॉइंट का एक ओपन इंटरवल, इफ देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल वो ए में कंटेन कर जाए, ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल सच दैट P belong I, I open interval है, contain हो रहा है A के अंदर। Second definition है जी हमारी, ये इसी definition से है, I means यही है बस। और A neighborhood है किसी भी point P का, तो P A का interior point हो जाएगा, P is an interior point of A। तो इस तरह से हम इसी definition से देखा कि नेचुरल नंबर का सेट के कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, इंटीरियर पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं हुए तो नेचुरल नंबर का सेट, उसी डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर। वैसे ही हम देखें उसके बाद इंटीजर का सेट, वो भी किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड नहीं होगा। वैसे ही हमने देखा सेम एग्जाम्पल रैशनल नंबर का सेट, वो भी किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड नहीं होगा, रैशनल नंबर का सेट किसी भी उसके पॉइंट पर नेबरहुड नहीं होगा। वैसे ही इरेशनल नंबर का सेट हुआ, और उसके बाद हमने बात की थी रियल नंबर का सेट, रियल नंबर के सेट में कोई पॉइंट उठाते हैं उसका कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं, ए पॉइंट उठाया ए का ओपन इंटरवल ये ले लिया हमने, क्या रियल लाइफ नहीं है, है ये ले लिया हमने, ये भी है छोटा ले लिया हमने, ये भी है, तो ये आर में कंटेन हो रहा है, ए को हमने कोई भी पॉइंट उठाया, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया, वो आर में कंटेन होगा, तो आर उसके हर एक पॉइंट पर
नेबरहुड है। ओपन इंटरवल ए बी लिया हमने, ये भी हर एक पॉइंट पर नेबरहुड है अपने। ए प्लस एप्सिलॉन इसमें कोई पॉइंट है, ए नहीं है बी नहीं है इसमें ओपन में, ए प्लस एप्सिलॉन है। ए प्लस एप्सिलॉन में माइनस एप्सिलॉन बाई टू करें, इसमें प्लस एप्सिलॉन बाई टू करें, वो ए बी में होगा, तो ए इंटीरियर पॉइंट हो गया इसका, वैसे बी भी होगा, तो ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ये हमारी डेफिनेशन थी। ये कुछ कंसेप्ट थे नेबरहुड के जो हमें टोपोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए सबसे मस्ट है इसको पढ़ना। नेबरहुड अगर आपको आ गया तो ओपन सेट आपके लिए समझना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान से कंसेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बेसिक है बिल्कुल। इसलिए आपको मैंने एक सेट के बारे में पूछा था कि आई इरेशनल नंबर का सेट क्या उसके हरेक नेबरहुड में, क्या उसका हरेक वो आई जो सेट है क्या उसके हरेक पॉइंट का नेबरहुड होगा, अगर होगा तो आपको यस लिखना है, नहीं होगा तो नो लिखना है। ये आपने होमवर्क आपके लिए, तो हमने आज नेबरहुड को सीखा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।